तीन दिन पहले मेरे पीछे फिरने वाला, मुझ पे मरने वाला बुराक आज मुझे अचानक छोड़कर चला गया। तुम भी ऐसे बात कर रही हो अदा, उसके साथ इतना कुछ हो गया है और तुम ये शिकायत कर रही हो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा। सलीम अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ है वो? वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार सही किया उसने, मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था, यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ चलो, अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर उन्होंने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा बस इतना? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बात सुनो बुराक, अगर तुम उसे छुपा रहे हो ना तो। देखो ब्रिजिक पागल मत बनो, मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं, मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा। सर क्लास में चले गए हैं, चलो आ जाओ। शक्की लड़की। सलीम और बताओ कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं भी ठीक, बस यार सुबह से पुलिस स्टेशन में था गाड़ी की वजह से। और कोई नई ताजी? क्या नई ताजी यार, बस उन्होंने मुझे कुछ मुजरिमों की तस्वीरें दिखाई हैं निशानदेही के लिए। कोई नतीजा निकला? नतीजा तो तब निकलता ना मेरे भाई जब मैं उन्हें पहचान लेता। आराम से सोचो, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई या किसी को तंग किया हो तुमने? हाँ याद आया मुझे, एक बदमाश है तो, लेकिन बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा क्या हम जानते हैं उसको? नहीं नहीं, हम में से कोई नहीं जानता उस बदमाश को, और उसने नहीं किया होगा मेरे ख्याल में ये। उसे क्या पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, और अगर कोई पार्किंग में इस तरह से दाखिल होने लगे तो हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, वहाँ हजारों गाड़ियाँ होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं यार ऐसे ही कोई सड़क छाप आदमी था, भूल जाओ उसे, छोड़ो। वैसे सलीम हमारी किस्मत ही खराब चल रही है, तुम्हारे लिए वो पागल लड़की छत पे चढ़ गई और किसी मस्ताने ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, लगता है कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। हाय कितनी अकेली लड़की है यार ये, हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है, जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार इसके एयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत है, वैसे मानो ना मानो ये बंदी है तो बहुत प्यारी, इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया, इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा, बस बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी हट जाती है? ठीक है वैसे ब्रिजिक अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजिक अपना वेट बढ़ाओ यार, ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने के बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब, रुको हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहाँ हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ उस लड़की की जो वहाँ ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती, बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, तुम नहीं हो पाओगे कामयाब, समझी बात को? माफी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा क्या दो मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। Have a nice day, teacher. बात यह है कि
हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक? और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय।